हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज मैं एक न्यू टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ डायरेक्टिंग। ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक है। सो डायरेक्टिंग के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्टिंग, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना, राइट डायरेक्शन दिखाना उनको, गाइड करना उनको, ठीक है, सुपरवाइज करना, यानी काम जो वो कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़ वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं, से ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चेक करना, इंस्पायर करना उन्हें, मोटिवेट करना उनको, ठीक है, ताकि वो और अच्छे से काम करें, टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब लेस कॉस्ट में काम हो जाए और टाइमली काम हो जाए, ठीक है। ये सब काम किसका होता है? डायरेक्टिंग का। मतलब स्टाफिंग, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, स्टाफिंग में क्या था? एम्प्लॉयज़ को जॉब दे देना। तो जब एम्प्लॉयज़ को जॉब आप दे देंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे, तो उनके ज्वाइनिंग के बाद स्टार्ट होती है आपकी डायरेक्टिंग, ठीक है, उनको गाइड करना, उनको राइट डायरेक्शन दिखाना, उनको समझाना कि काम कैसे करना है। दिस इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्शन वर्ड से बना है, डायरेक्टिंग मतलब राइट डायरेक्शन दिखाना एम्प्लॉयज़ को। इसके फीचर्स सब हम पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट फीचर है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। एक्शन यानी काम, काम को स्टार्ट कौन करता है? डायरेक्टिंग। जॉब तो मिल गया, उसके बाद जब एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो उनको ये थोड़ा ना है कि ज्वाइन करते ही उनको पता है सब क्या करना है, कैसे करना है, उनको सब चीज़ों का आइडिया है, यहाँ बैठ के ऐसे ऐसे काम करना है, नहीं, उनको कुछ नहीं पता। उनकी जब ज्वाइनिंग हुई है, उसके बाद उनको राइट डायरेक्शन दिखाना किसका काम होता है? डायरेक्टिंग का। सो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन कैसे स्टार्ट करता है डायरेक्टिंग? मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट, डायरेक्ट एंड गाइड द एम्प्लॉयज़ टू गेट द वर्क स्टार्टेड। वर्क को स्टार्ट करने के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए मैनेजर्स क्या करेंगे? जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उन सबको इंस्ट्रक्शंस देंगे काम से रिलेटेड, डायरेक्ट करेंगे, राइट डायरेक्शन दिखाएंगे, उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। जब उनको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि ये आपका काम है, ऐसे ऐसे आपको करना है, तब जाके वो वर्क स्टार्ट होगा। तो डायरेक्टिंग जो है इनिशिएट यानी स्टार्ट करता है एक्शन को, वर्क को, क्योंकि जब तक डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को बताया ही नहीं जाएगा कि आपका ये काम है और इसको इस तरह से करना है, ठीक है, तो डायरेक्टिंग का मतलब अगर नहीं हुआ है डायरेक्टिंग आपका, तो काम नहीं हो पाएगा, काम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मैकेनिक हैं और आपको बताया ही नहीं है कि ये कौन सी मशीन्स हैं वो ख़राब हैं, कौन सी मशीन्स सही हैं, उनको कैसे ठीक करना है, कुछ नॉलेज में नहीं है आपके, तो आप काम कैसे करेंगे जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में बताया नहीं जाएगा, है ना। सेकंड इज कंटिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, वो कभी एंड नहीं होता, हमेशा आपका चलता रहता है। मैनेजर कांट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने जो है ऑर्डर इशू कर दिए, इंस्ट्रक्शंस दे दिए सब एम्प्लॉयज़ को, हाँ भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, इसका मतलब बस उसका काम ख़त्म, अब वो रेस्ट पे चला जाएगा, बस एक बार ही उसका काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूसली मतलब हर वक्त एम्प्लॉयज़ को गाइड करता रहेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप काम कर रहे हैं, आपको कोई काम ना आए, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो मैनेजर आपको गाइड करेंगे, सुपरवाइज़ करेंगे कि आप काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या काम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और हर एक चीज़ को सुपरवाइज़ करेंगे, प्रॉपरली मोटिवेट। अभी काम करते करते इंसान थक जाता है या काफ़ी मोरल उसका डाउन हो जाता है किसी रीज़न से, तो मोटिवेट करने का काम भी होता है मैनेजर्स का, डायरेक्टिंग फंक्शन में ही एक पार्ट होता है मोटिवेशन, ठीक है। तो मैनेजर का काम होते हैं आपको मोटिवेट करना, टू मेक श्योर द वर्क इज़ कैरीड आउट प्रॉपरली, ठीक है, और किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि काम प्रॉपरली किया जाए। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कभी एंड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग जो है हर लेवल पे की जाती है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो आपका, चाहे आपका लोअर लेवल हो। सो एवरी मैनेजर सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद हिज सबॉर्डिनेट टू गेट द वर्क डन। हर एक मैनेजर करता है,
हर एक मैनेजर, हर एक सुपीरियर क्या करेगा, अपने जो उसे नीचे वाला जो सबॉर्डिनेट होगा यानी इमीडिएट सबॉर्डिनेट होगा ठीक उसके नीचे, एक बॉस ठीक उसके नीचे वाले सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज करेगा, काम उसका चेक करेगा प्रॉपरली के सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में उसे वैसे ही काम कर रहा है या नहीं करा, गाइड करता रहेगा। यानी अगर कोई प्रॉब्लम भी तो आ सकती है, ऐसा तो है नहीं कोई एकदम से ज्वाइन करा उसने और एकदम परफेक्ट बन गया, ऐसे भी नहीं है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइड करेगा, टाइमली मोटिवेट करता रहेगा, कम्युनिकेट भी करता रहेगा साथ के साथ के, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो डायरेक्टिंग जो है हर एक लेवल पे की जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लेवल पे किया जाता है और सिर्फ वर्कर्स वगैरह के लिए होता है, सबके लिए डायरेक्टिंग होती होती है। फोर्थ आपका पॉइंट है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में फ्लो होती है। सबसे पहली बात तो डायरेक्शंस देता कौन है, ऑर्डर कौन देता है, एक मैनेजर देगा है ना, और किसको देगा, अपने सबॉर्डिनेट को, और कौन से सबॉर्डिनेट को, जो बिल्कुल इमीडिएट सबॉर्डिनेट हो इसके नीचे, यानी कि हमें कोई भी एम्प्लॉय है उसको सीईओ आके कुछ बोल रहा है तुम ये काम करो, या कोई ओनर आके बोल रहा है तुम ये काम करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इमीडिएट जो सुपीरियर होता है हमें वो जो है डायरेक्शंस देता है, ठीक है, गाइड करता है, तो सबॉर्डिनेट को क्या होता है, गेट डायरेक्शंस फ्रॉम इमीडिएट सुपीरियर, अपने इमीडिएट सुपीरियर से, अपने बिल्कुल ऊपर वाले बॉस से जो है हमें सारी डायरेक्शन मिलती है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्टिंग, जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। कैसे, इसका मेन मोटिव क्या होता है, ब्रिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग जो है वो किस लिए की जाती है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं की जाती है कि डायरेक्टिंग का मतलब एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा और उसे काम समझा दो, दैट्स इट, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता। क्यों, मैंने आपको एक चीज़ और बताई, डायरेक्टिंग में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, मोटिवेट, तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस कैसे बेटर होगी, जब हम टाइमली मोटिवेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को और सुपरवाइज करते रहेंगे। क्योंकि अगर सपोज हमने काम उनको बताकर छोड़ दिया सारा, ठीक है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया, अपने के अपने आप संभालो, हमारा काम था एक बार समझाना, सुपरवाइज नहीं किया, तो मे बी ऐसा हो सकता है वो बहुत बड़ी गलती कर दें या कुछ भारी नुकसान कर दें कंपनी का, तो सुपरवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, गाइड करना। अगर सपोज़ किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आ गई वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा सारे दिन जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो प्रॉपर गाइड करना भी ज़रूरी है, तब जाके परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी आती है, परफॉर्मेंस बेटर होती है। सो जितने भी फंक्शंस थे ये फीचर्स थे डायरेक्टिंग के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।